सौरभ मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पॉलिटिकल बात आपने सुन ली, अब मुझे बताइए क्या लीगल ऑप्शंस हैं। जैसे हिमांशु जी ने कहा कि कल आप वहाँ पर एडमिट होगा कि नहीं होगा, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप देख रहे हैं। और ये बात बार बार कही जा रही है कि डिफेमेशन के केस में जो हाइएस्ट पनिशमेंट था वो दिया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर देने के लिए। जहां तक अभी आगे के ऑप्शन की बात है राहुल गांधी के सामने, तो बिल्कुल, क्योंकि एसोसिएशन कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता खुला हुआ है। तो अब ये जैसा हिमांशु जी ने बताया कि कल अर्जेंट अगर मेंशनिंग होगी, ये एडमिट होगा या नहीं होगा, ये तो कल देखा जाएगा। रही सवाल आपका जो दूसरा सवाल ये था कि ये कैसे, एक बार अगर आप रिपीट कर दें फिर से। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी कि भाई हाईएस्ट जो मतलब मैक्सिमम जो पनिशमेंट था वो डिफेमेशन के केस में दिया गया जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए, ऐसा ही जो सेक्शन 499 आईपीसी का है उसमें बड़े साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके लिए जो डिफेमेशन के केसेस में जो पनिशमेंट हो सकता है दैट मे एक्सटेंड टू 2 years। तो इसको आप हाईएस्ट बोलेंगे और 2 साल तक का इसलिए रखा गया कि अगर सारे इंग्रेडिएंट्स उसकी मैच करते हैं तो बिल्कुल 2 साल तक दिया जा सकता है, उसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। और अगर नीचे की 2 कोर्ट में, एक बार सीजेएम की कोर्ट में, एक बार सेशन की कोर्ट में, इस मैटर पे राहुल गांधी के वकील ने पूरी तरीके से शिद्दत के साथ जिरह करी, उन्होंने सारे पॉइंट्स अपने रखे हुए, इसके बावजूद भी जब क्योंकि मुझे मुझे जानकारी है सर कि 13 अप्रैल को जब हियरिंग हुई थी तो पूरे दिन भर इस मसले पर हियरिंग हुई है दोनों पक्षों की। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शिद्दत के साथ इस पे जीरा हुई है। लेकिन फिर भी बेसिकली राहुल गांधी की तरफ से 2 एप्लीकेशन लगाई गई थी। एक एप्लीकेशन ये था कि सेंटेंस जो मिला हुआ है उसका सस्पेंशन हो जाए 2 साल का, और दूसरा था कि कन्विक्शन का स्टे लग जाए। तो सेंटेंस का तो सस्पेंशन हो गया था जब, तभी उनको बेल मिल गई और अभी तक वो बाहर हैं। लेकिन कन्विक्शन है, कन्विक्शन पे उनको सस्पेंशन नहीं मिल पाया अभी तक, कन्विक्शन पे कोई स्टे नहीं है, इसी वजह से ये मामला ऐसे जा रहा है। तो अगर नीचे की 2 कोर्ट ने, सीजेएम की कोर्ट ने, सेशंस कोर्ट ने उनको कन्विक्शन पे स्टे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि माननीय न्यायालय इस बात को मानता है कि राहुल गांधी का जो भी स्पीच था उसमें डिफेमेटरी कंटेंट प्रॉपर तरीके से थे। और अब ये आने वाले टाइम पे अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि राहुल जी के वकील किस तरीके से इस मामले को आगे रखते हैं जिससे कि उनको राहत मिल सके। जी सर, बार बार ये बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी अपने एरोगेंस की वजह से या जिद की वजह से या पॉलिटिकल कारणों से जो भी है, वो अगर माफ़ी मांग लेते, यदि जो जिद नहीं करते और माफ़ी मांग लेते तो शायद ये फैसला यहाँ तक नहीं पहुँचता। अब इसको मैं आगे समझता हूँ, जो हो गया वो तो हो गया, क्या हायर कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहुल गांधी इस पर सॉरी कह दें, माफ़ी मांग लें, तो क्या ये मामला ख़त्म हो सकता है, ऐसा आपको लगता है, या नई माफ़ी मांगने के बाद भी उनको कोई राहत की संभावना दिखाई देती है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि जब जो डिफेमेटरी जो एलिगेशंस होते हैं जिसमें वर्डिंग इम्प्यूटेशन किया गया, मुझे पब्लिकली बदनाम किया गया है, तो जिसके ऊपर ये इम्प्यूटेशन किया जाता है उनकी तरफ से इसको कैसे देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ उनके माफ़ी मांग लेने के बाद ये देखा जाएगा कि हाँ, वो जो अपोजिट पार्टी है क्या उस मैटर को फर्दर परस्यू करना चाहती है नहीं करना चाहती, क्योंकि क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, एक सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों होता है। एक बार जब डिफेमेशन आपने माफ़ी मांग ली, मतलब कि आपने एडमिट कर लिया कि आपके जो भी कंटेंट थे, आपके इम्प्यूटेशन थे, उसे सामने वाले के इमोशंस रेपुटेशंस हर्ट हुए हैं, उसके बाद फर्दर लीगल ऑप्शन अपोजिट पार्टी को मिल जाता है कि वो आपके ऊपर वो कॉम्पनसेशन का वो मुकदमा लगाए, फर्दर आपको और परेशान करे, तो बात सिर्फ वहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती है। तो ये और जिस तरीके से पूरी मोदी कम्युनिटी को लेके जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट दिया गया है, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से मामला ख़त्म होने वाला है। और राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर हैं देश के, और ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकली बिल्कुल तूल पकड़ चुका है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कहीं से भी पीछे हटने वाली है और इस मैटर को कंक्लूजन पर ले जाने की कोशिश करेगी। और राहुल गांधी क्योंकि राजनेता हैं तो कई बार ये होता है कि माफी हम क्यों मांगे, इससे तो हमारे, जैसे कि उनके एक बात खबरों में आ रही थी, उनके सलाहकार कह रहे थे कि माफी नहीं मांगनी है, तो वो उनका अपना तरीका है चीजों को देखने का। सर एक चीज और समझा दीजिए, जैसे हिमांशु जी ने कहा कि यदि कल एडमिट नहीं होती है पिटीशन हाई कोर्ट में अर्जेंट, तो क्या उनको फिर जेल जाना पड़ेगा सैटरडे संडे को?
नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है उसको, इसमें अपील तो का चांस है उनके पास ये, जी और ये मंडे को मेरे ख्याल से फिर उसके बाद ये टेकअप कर लिया जाएगा। जी तो तब तक जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,